लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियों का सिलसिला तेज हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पटना के छठ घाटों में चल रही तैयारी का जायजा लिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्टीमर से गांधी घाट से पटना सिटी के कंगन घाट तक गंगा घाटों का दौरा किया और उसके बाद दानापुर के नासरीगंज तक के गंगा घाट में भी चल रही तैयारी का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने घाटों की सफाई, सुरक्षा और स्वच्छता के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने छठ व्रतियों को हर तरह की सुविधा मुहैया कराने का सख्त आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि कलेक्टर घाट और महेंद्र घाट से टापूनुमा संरचना तक पीपा पुल का निर्माण कराया जा रहा है। बांस घाट से भी टापूनुमा संरचना तक पीपा पुल के निर्माण की संभावनाओं को तलाशने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं घाटों का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि गंगा नदी के किनारे बड़ी संख्या में लोग छठ पर्व को मनाते हैं। नीतीश बाबू ने बताया कि अधिकारियों को हर तरह की सुविधा मुहैया कराने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि इस बार अधिक वर्षा होने से गंगा नदी में पानी का प्रवाह काफी ज्यादा है। ऐसे में छठ घाटों पर सुरक्षा इंतजाम जरूरी है जिससे लोगों को कोई परेशानी न हो। उन्होंने बताया कि 3 नवंबर को एक बार फिर वो छठ घाट पर हुए काम का जायजा लेंगे। है कि पिछले साल जो कोरोना के कारण सब चीज पर रोक लग गया था उसको छोड़ करके पीछे के सभी वर्षों में समय के पूर्व तैयारी जो की जानी चाहिए उसको देखने आते हैं और जो भी होता है लोगों से विचार करके देख करके और उसी के हिसाब से हम लोग परामर्श भी देते हैं। ये आप सब लोग पहले ही से जानते हैं, तो आज भी इस बार जब हुआ कि नहीं इसकी इजाज़त दी गई है तो आकर के इसको देखना बहुत ज़रूरी था। और इस बार जानते हैं कि इस बार पानी का बहुत असर ज़्यादा रहा है, वर्षापात ज़्यादा हुआ है और फ्लो भी अभी पानी का बहुत है, तो ऐसी स्थिति में उन जगहों का चयन करके वहाँ के लिए जो कुछ भी हुआ होगा उस पर्व के लिए लोगों को सुविधा हो, तो उसी के दृष्टिकोण से आज हम लोग लगातार देख करके आए हैं और इस पर ये लोग काम करेंगे। आज हमारे जितने अधिकारी हैं और दूसरे लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, सब लोग मिल करके सब कुछ आज जो बात रास्ते में हो गई है उसके आधार पर वो आ करके आज सवेरे भी देखे थे, अभी भी अंतिम रूप से देख करके निर्णय कर लेंगे और उसके हिसाब से तेजी से काम होगा। और इसके बाद हमने तो कह दिया है कि फिर अगली बार हम यहीं से शुरू करेंगे, 3 तारीख को हमने कह दिया है, और आकर के एक बार देखेंगे कि काम की क्या प्रगति है, कितना है, सबको देख लेंगे ताकि किसी तरह की असुविधा नहीं हो। तो आप जानते ही हैं इस पर्व में इसी के लिए हम लोग घूम करके आए हैं। पटना के घाट पर लोक आस्था के महापर्व छठ की छठा ही निराली होती है, लेकिन घाट पर पानी ज्यादा होने से हादसे का खतरा भी बना रहता है। उम्मीद है कि सरकार और अधिकारी सुरक्षा और स्वास्थ्य के सभी मापदंडों का ख्याल रखेंगे और किसी भी अप्रिय घटना को होने से पहले ही टाल दिया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।